विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति व प्रायसी मंडल की 2 दिवसीय बैठक शनिवार यानी 17 जुलाई से हरियाणा के फरीदाबाद में होने जा रही है। इसमें देश भर के लगभग 275 विहि पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। संगठन के भारत के बाहर की शाखाओं के प्रतिनिधि भी इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक की कार्यसूची पर प्रकाश डालते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि मतांतरण के विरुद्ध केंद्रीय कानून, मठ मंदिरों के नियंत्रण से मुक्ति, बंगाल में हुई हिंसा तथा कोरोना की तीसरी लहर की पूर्व तैयारी के अतिरिक्त संगठन के 50वीं पूर्ति वर्ष पर संगठन विस्तार के विषय में व्यापक चर्चा होने की आशा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष व महामंत्री का चुनाव भी होना है। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश विष्णु सदाशिव कोगजे, कार्याध्यक्ष सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार व कार्याध्यक्ष अशोक राव, उपाध्यक्ष गंगराजू, ओम प्रकाश सिंघल, डॉक्टर आरएन सिंह व हुक्मचंद सावला तथा कोषाध्यक्ष रमेश गुप्ता सहित सभी केंद्रीय व क्षेत्रीय पदाधिकारी कोविड नियमों का पालन करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकेंगे तथा देश विदेश के शीर्ष पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। ये बैठक हर 6 महीने में बुलाई जाती है।